नेक्स्ट कंपटीशन क्या होता है? नेक्स्ट मैच मेरे ख्याल से इट्स बिटवीन प्रिंस एंड प्रिंस, प्रिंस एंड प्रिंस, प्रिंस एमन वर्सेस द प्रिंस आई गेस। एग्जैक्टली, तो नेक्स्ट मैच की जाने चलते हैं सर विदाउट फर्दर डू। यस, बट आई प्लीज आस्क फॉर अ फेवर, कोई आगे नीचे कैमरे का बटन दबा दे तो। और ये मैच स्टार्ट होने जा रहा है क्योंकि आरओ चैंपियनशिप के लिए, और मेरी इस वक्त खुली हुई उम्मीद है कि प्रिंस अहमद शायद इस बार कुछ कर जाए क्योंकि लास्ट वीक बहुत ही क्लोज थे ये मेरे के। तो देखते हैं आप इस मैच को कौन जीतता है, कौन नया चैंपियन बनता है या प्रिंस रिगेन करते हैं इस चैंपियनशिप को। आसानी से इस मैच को जीत पाएंगे क्योंकि एक तो चैंपियन भी हार जा रहा है और काफी गुस्से में कर दिया। सो व्हाट अ मूव बाय प्रिंस। और मैच के शुरू होते ही यहाँ बहुत अच्छी मूव करी, यहाँ प्रिंस के अंदर
Thank you.
पांडा कुछ दिन का मेहमान है, उसने आज नहीं तो कल चले जाने। मैं एक स्ट्रॉन्ग टीम बना रहा हूं जिसके अंदर मैं चाहता हूं कि तुम उस टीम का हिस्सा हो। जिस तरह आज मैं इस कामयाबी में हूं, मैं चाहता हूं कल तुम मेरे साथ खड़े हो उस कामयाबी में, तुम भी हिस्सा लो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ज्वाइन करो और हम एक अनस्टॉपेबल टीम बनाए और PWFP और यूनिवर्स को दिखा दें कि ये एक फैक्शन ऐसा है जो किसी के आगे नहीं झुकता। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? Okay.
आशीष रेफरी और मैच को ऑपर्चुनिटी स्टार्ट करेंगे। दोनों दोनों कंटेस्टेंट्स बहुत ही टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स रिंग में और बैल होना सारा हो गया और बैल रिंग होते ही मैच की शुरुआत। मुझे लगता है ये मैच काफी कॉम्पिटिटिव होगा। सही बोला ना मैंने? या काफी कॉम्पिटिटिव हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन ये शान की जो यहाँ खान जो है रिंग से बाहर निकल गए, मुझे लगता है यहाँ स्टार्ट लेना नहीं चाहते आगे, कोई स्ट्रेटेजी इनके दिमाग में गए उसी और तरीके से इस मैच के स्टार्ट होना चाहिए। स्ट्राइक्स पे जाएंगे या कॉलर टाइप पे जाएंगे ये नहीं पता, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बोल रहे हैं प्रोटीन शेक भी कराएंगे, मुझे लगता है थोड़ा सा वार्म अप करेंगे ऑब्वियसली और मे बी स्केयर्ड ऑफ देम। क्या कह रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। खान एक अच्छा कॉम्पिटिशन है, अच्छी स्मार्ट मूव करी कवर कर सकते थे यहाँ, लेकिन यहाँ कवर करना इतनी अर्ली मैच हो गई खान जैसे बंदे को तो नॉट एन इजी टास्क। जो खान ने सोचा है दोबारा कुछ करने का और हेडलॉक से स्टार्ट कर रिटायर सकते और एक और खान अपनी ताकत के साथ डैनी को एक साइड पे लेके चले बहुत आराम से, मैं कॉर्नर पे ले गए, रोप्स पे ले गए, लेकिन ऑब्वियसली और एक आरिश हुए यहाँ एक आर्म ड्रैग करना चाहते थे मूव फॉर द मूव में काफी ओ ब्लॉक दिया खान को नीचे गिरा दिया डैनी ने, डैनी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं इस मैच में। डैनी समझ रहे थे खान को कैसे करना है, मुझे काफी अच्छे नजर आ रहे हैं डैनी, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं पहले से काफी ज्यादा नजर आ रहा है। खान तो चले जाते हैं जैसे उतरे वैसे बस काफी काफी डिसरिस्पेक्ट किया खान को। You're worthless और ये लोग किसी लाइक नहीं हो, and if I have to beat you, I beat you right now. You all start with me. काफी है खान, ये लोग तो बाहर है ओवर कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, मुझे लगता है नीचे से स्ट्राइक करेंगे डैनी ने, ब्लाइंड स्ट्राइक किया डैनी ने और स्ट्राइक में स्ट्राइक दे रहे हैं यहाँ डैनी फुल छुट्टी है। अगर मैं स्पेक्टेटर होता तो यहाँ डैनी के चांस लगा था डैनी 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 ओके, लेकिन यहाँ तो भूल भी कर सकता है और बहुत जाएगा बड़ी, लेकिन ये यहाँ भूल समथिंग देना शुरू करती है खान ने। मीन वाइल जब हम मैच की बात करें तो यहाँ टर्न पकड़ के कॉर्नर पे लगे एडवांटेज लिया है यहाँ खान ने, मुश्किल है।
और यहाँ पिन होते होते रह गए, काफी पावरफुल मूवमेंट बस्टर, लेकिन मुझे नहीं लगता था इसमें टेक आउट करेंगे, लेकिन मैनेज टू टेक आउट। आप ये देखो कि अगला कौन है, आप मार सकता है अभी देखो, या ऑब्वियसली डैनियल, सिंपल डैनियल का अगर कैरी खा लिया मतलब जीत जाएगा अभी कैरी से मार कर, लेकिन ये ओ माय गॉड काउंटर और बला दे रही है और यहां एक फिर से और ये खान नहीं आता और खान को लगता है काफी मार खा रही है और ये काफी मार खा खा के काफी रेजिलियंस गेन कर लिया मुझे और यहाँ तक एक हाई रिस्क मूवर मेरे के कारण बदल से और ये शॉट और यहाँ कवर करना चाहते रोक काफी अच्छा था रोड से साइड पे करते ऑब्वियसली अगर रोड से कॉल होती है तो दैट वुड बी इललीगल एग्जैक्टली ओके लेकिन सही है अभी सर कॉर्नर में चलेगा फिर से चार्ज कर रहे जबरदस्त मूव कर रहे लेकिन भाई चल रहा है लेकिन देखते हैं कि स्मार्ट की चल रही जबरदस्त और एक सपोर्ट ड्रॉप कवर करेंगे मुझे लगता है यहां डैनी सही करना चाहिए वो किक आउट वो आखिरी सांस जिसने खान को बचा लिया हां या फाइनली खान बच गए और मैच में वापस आ गए मेरे ख्याल से अब डैनी को बस एंड कर देना चाहिए लेकिन डैनी मुझे लगता है एक नर्व और मुझे लगता है शायद ये मैच अभी खत्म हो या शायद और पंचेस स्टार्ट कर दिया लोगों ने पंचेस एक्सचेंज करते हुए दूसरे को पंचेस पे पंचेस दे मार रहे हैं वो यहाँ ब्लॉक किया ब्लॉक कर रहे हैं और इस ब्लॉक के साथ मौका देखते ही डिमेंशन मार दिया और यहाँ मुझे लगता है यहाँ स्टंप से इस मैच को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं कोई और मूव का इंतजार कर रहे हैं मुझे लगता है एक और स्टंप करेंगे और उसके बाद शायद मैच को खत्म करें और खान ने अपने सारे बदले पिछले मैच के और उससे पिछले मैच के और सारे मैच के बदले काफी स्मार्ट मूव थी बहुत जबरदस्त डैनी बिल्कुल सही था लेकिन ये कि खान अपनी जैसे उसने कहा कि डैनी को अच्छी रिंग बैठने से तो यू कैन सी हां इस तरह खान को इतना आईडिया था खान कभी भी ये नहीं करता यहां काफी परेशान हो गए खान काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं कोई चेयर का इस्तेमाल करेंगे लेकिन ये इलीगल है मैच ली रेफरी वार्न कर रहे हैं रेफरी रोक रहे हैं दोनों को चेयर लगा के चेयर
इसलिए आई डोंट नो मच अबाउट द हिस्ट्री बट करंट चैंपियन जो इस समय रोनाल्डो जूनियर है। काफी कीमती और प्रेस्टीजियस टाइटल है। ओके देखते हैं इस मैच में टाइटल को डिफेंड करने में कामयाब होते हैं रोनाल्डो जूनियर या नए चैंपियन बनके यहां से निकलते हैं। और ये हार्डकोर चैंपियन का मैच कंप्लीटली फुल्ली हार्डकोर है, इसके अंदर नो काउंट आउट, नो वेपन के रेजिस्टेंस, थोड़ो अगर वो मार डाले बदल कर दो सर फाड़ो मैच आता हूं, दोनों में डाल के आने चाहिए। यस एग्जैक्टली इट्स अ हार्डकोर मैच। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन ये हार्डकोर मैच है और इस मैच में ऑब्वियसली दिस नो इस मैच की शुरुआत में काफी भारी हिसाब चल रहे हैं अपने दुनिया आज तक तक काफी यहाँ ब्रूटल नजर आ रहे हैं, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं रमेश जूनियर और काफी ही डोमिनेंट नजर आ रहे हैं। रात में रेली पर तू वो सारे शो और हम बोलेंगे और इस और कहां वापस आ रहा है, बहुत ही खतरनाक मूव देने का सोच रहे हैं
अबे छोड़ा क्यों रोक ले नहीं होता बैठा वाले जूनियर का दीवान ही नहीं चल रहा ऑब्वियसली जीत जाता तू रोक ले जा रही है और Thank you.
बहुत अच्छे दोनों, बिल्कुल बराबरी, इस पर
कोई तो बता रहा है तो शर्मा, और यहाँ मुझे लग रहा है काफी ताक में आ रहा है नवीन एक और रोल करने में लेके कैडी कैडी इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। बहुत अच्छी एथलेटिज्म दोनों के पास। एक किक दी और एक I don't know.